हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज का वीडियो होने वाला है मिंत्रा प्लस मीशो हॉल। सो जितने भी ड्रेसेस हैं वो मोस्टली मिंत्रा से ही है, बट एक ड्रेस मैंने मीशो से ऐड करा है क्योंकि ये हॉल मैं स्पेशली बना रही हूँ जो मैंने वेयर करा था ईद पे। सो काफ़ी सारे ड्रेसेस मैंने लिए थे ईद के लिए और पर्सनली मैंने उसे डे बाई डे पहना है, लाइक डे 1, 2, 3, क्योंकि आप बाहर नहीं जा सकते हो, घर पर ईद मनानी है। तो मैंने कुछ ड्रेसेस लिए, घर पे सेलिब्रेट किया, फ़ोटोज़ पे क्लिक करे और ईद को सेलिब्रेट करा, बहुत सारे डिशेस बनाए। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और टाइम पे वीडियो नहीं आ पा रही थी। फेस्टिव के वजह से बहुत सारा काम होता है तो वो सब भी मैनेज करना होता है, बट अभी मैं फ्री हुई वैसे मैंने डे बाई डे शूट करा मैंने। सो सारे जो लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर करना, लाइक कर देना गाइस, शेयर करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, एंड कॉमेंट में ज़रूर बताना कि आज के हॉल में कौन सी ड्रेस, मेरी ईद की ड्रेस आपको अच्छी लगी। एंड नाउ विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा जो फर्स्ट कुर्ता है वो मैंने बहुत ही समरिश कुर्ता सेट पिक करा है, कॉटन ब्लेंड मटेरियल है कुर्ता, प्लाजो एंड दुपट्टे का 3-piece सेट है गाइस। बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक एंड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन है, राउंड नेक के साथ है, की होल नेक डिटेलिंग आपको मिल रही है और शॉर्ट स्लीव्स के साथ है, आपको प्लीट्स मिल रही है कुर्ते पे जो बहुत ही अच्छी लग रही है। प्लीट्स ये बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं है बट नॉर्मल है, एंड कुर्ता जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स को भी बहुत अच्छे से आएगी। कॉटन मटेरियल है, सी थ्रू नहीं है, बहुत कम्फर्टेबल है, एंड जो इसकी फ्लेयर है वो बहुत अच्छी है। प्लाजो आप देख सकते हैं, प्लाजो की जो कलर कॉम्बिनेशन दी है ना पिंक में ऑरेंज, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। प्लाजो की फ्लेयर भी काफ़ी अच्छी है और इसका दुपट्टे का जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है, उस पर आपको ऑरेंज प्रिंट्स मिल रही है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, एंड दुपट्टे पर टैशल भी मिल रही है। तो मटेरियल बहुत प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई लुक, मतलब प्लेन सिंपल एलिगेंट कुर्ता सेट है, गर्मियों के लिए परफेक्ट है। एंड मैंने इसे पहना था ईद के 3rd-4th डे और थोड़ा सिंपल रखने के लिए, लाइक अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप इस तरीके के कुर्ता सेट ले सकते हैं, डेली वेयर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप इसे, और कुछ हेवी ज्वेलरी डाल के आप इसे फेस्टिव में भी वेयर कर सकते हैं। तो मैं इसे भी हाईली रिकमेंड करूँगी, प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन पर। सो ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल सा कुर्ता सेट मैं आपको दिखाऊंगी, ऑफ वाइट एंड गोल्डन प्रिंटेड कुर्ता विद शरारा एंड दुपट्टा। सो गाइस करेंटली आउट ऑफ स्टॉक है और जितनी जल्दी स्टॉक में आती है उतनी जल्दी ये निकल भी जाती है। कुर्ता बॉटम फैब्रिक विस्कोस रेयन है, दुपट्टा फैब्रिक ऑर्गेन्जा है, बहुत ही ब्यूटीफुल कुर्ता सेट है गाइस, हाईली रिकमेंड वाली कुर्ता सेट है। प्राइस एंड साइज मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। सो यहाँ पे आपको गोल्डन प्रिंट्स मिल रही है, शॉर्ट स्लीव है, रफल्स बने हुए नीचे को कुर्ते में, रफल्स बनी हुई है, एंड कुर्ते का साइज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, शॉर्ट हाइट को भी बहुत अच्छे से होगी, लॉन्ग हाइट को भी बहुत अच्छे से होगी, एंड थोड़ा प्लेन कपड़ा है। देन अगेन आपको शरारा पे पूरी गोल्डन प्रिंट्स मिल रही है, एंड अगर गोल्डन फॉइल प्रिंट्स भी है तो बहुत अच्छी क्वालिटी के, लाइक अगर आपको रिसीव होगी ना ये तो आपको समझ में आएगा क्वालिटी जो है कितनी ज़्यादा सुपर्ब है। एंड इस पर आपको ऑर्गेन्जा का दुपट्टा मिल रहा है, वो भी बहुत ही शाइनिंग वाला ऑर्गेन्जा है जिसपे साइड पे चारों कोने पे रफल्स बनी हुई है, दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। मैं इसे 200% रिकमेंड करूंगी, किसी की शादी में पहना चाहते हो या फिर किसी भी फेस्टिवल में पहना चाहते हो ना तो ये कुर्ता सेट तो लेना ही चाहिए, इतना ब्यूटीफुल है। लिटिल बिट सी थ्रू है, बहुत ज़्यादा सी थ्रू नहीं है बट आप आराम से मैनेज कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल है गाइस, सो मैं इसे हाईली रिकमेंड करूँगी। सो ये 1-piece ड्रेस है गाइस, टील ग्रीन एंड वाइट एम्ब्रॉयडर्ड सीक्वेंस टायर्ड लेयर्ड अनारकली कुर्ता। सो ये मिली है मुझे 2332 रुपीज़ की, एंड जिस दिन से मैंने परचेज करी है अभी तक इसकी प्राइस सेम है। इस पर आपको 2 कलर ऑप्शंस मिलेंगे, आप प्लीज़ वो चेक कर लेना, जैसे आप लिंक पे जाओगे आपको वहाँ पे साइड पे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। एंड ये मैंने ईद के दिन पहना था, जॉर्जेट ब्लेंड इसका मटेरियल है और इसका जो लुक है नेकलाइन पे जो आप देखोगे ना, इतना अच्छी क्वालिटी का थ्रेडवर्क करा हुआ है ना, लगेगा आपने बहुत एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी है। स्लीव्स इसकी बहुत प्यारी है, लाइक बलून काइंड ऑफ स्लीव्स में आपको थ्रेड का वर्क करा हुआ है, फिर टाई अप डिटेलिंग है जिसे आप बहुत अच्छे से यू नो स्लीव्स दिखा सकते हो जो बहुत ही अच्छी लग रही है। एंड यहाँ से आपको टाई करने के लिए मिल रही है वेस्ट से, और पीछे को अगर आप देखोगे तो पूरा फ्रॉक है, लाइक ऊपर से आपको कोटी नहीं मिल रही है, कोटी स्टाइल में सिर्फ 1-piece गाउन है, नीचे को आपको फ्रिल मिल रही है 2 लेयर्स की, एंड नीचे की अगर आप थ्रेडवर्क देखोगे ना
इतनी अच्छी क्वालिटी की थ्रेडवर्क करा हुआ है, बिल्कुल लगेगा ना पाकिस्तानी वर्क आपने पहना हुआ है, पाकिस्तानी ड्रेस पहना हुआ है एंड इनर लाइनिंग के साथ है, बहुत ब्यूटीफुल है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी गाइज ये ड्रेस को। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो फिर ये आपको नहीं आएगी, आपको नीचे से कट करानी पड़ेगी, क्योंकि हील्स पहनने के बाद भी ये मुझे थोड़ी सी लॉन्ग हो रही थी, तो जिनकी हाइट 5'4" से ज़्यादा है ना उनको ये गॉन बहुत अच्छी लगेगी। तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट डे वेयर करा था। साइज़ और प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये ड्रेस मैंने लिया है मिंत्रा से, पिंक सॉलिड कुर्ती विद प्लाजो दुपट्टा, 3-piece सेट है। साइज़ एंड प्राइस जो भी मुझे मिली है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहाँ पे चेक कर लीजिएगा। सो कुर्ता फैब्रिक, बॉटम फैब्रिक सिल्क ब्लेंड एंड दुपट्टा फैब्रिक आर्ट सिल्क है। आपको यहाँ पे नेक लाइन पे गोटा पट्टी की डिटेलिंग मिल रही है, की होल नेक डिटेलिंग है, स्लीव्स में मिल रही है। पूरी कुर्ती प्लेन है, शॉर्ट कुर्ती के साथ जो प्लाजो स्टाइल है गाइज, ये बहुत ही ज़्यादा सुपर फैंटास्टिक एंड बहुत ही स्टैंडर्ड स्टाइल है जो आपकी प्लाजो है एंकल लेंथ आती है। अगर आपकी हाइट 5'4" है तो बिल्कुल ऐसे ही होगी, छोटे हाइट को एंड लंबे हाइट को भी बहुत अच्छी लगेगी। दुपट्टे का जो बनारसी टच दिया है ब्लू कलर में, लाइक ये पूरी डीप नेवी ब्लू कलर में गोल्डन टच दी हुई, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। पिंक ब्लू का कॉम्बिनेशन एक नंबर लग रहा है, मैं इसे रेकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे ईद में पहना था मैंने, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, बहुत अच्छी भी लगी। और जो भी ज्वेलरीज मैंने पहनी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो कलरफुल ईयरिंग्स मैंने इस पर ऐड करा है, प्लस इस पर इनर लाइनिंग नहीं है बट ये सी थ्रू भी नहीं है, बहुत लाइट वेट है, पहन के यू नो इतनी गर्मी में आप ईजिली मैनेज कर पाए, मतलब मैं मैनेज कर पाई। एंड मैंने इस पर हाई बन रखा है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे। सो कैसी लगी आप कॉमेंट में मुझे ज़रूर से बताना। मुझे ये कलर कॉम्बिनेशन प्लस ईद के लिए परफेक्ट लगी, आने वाले फेस्टिव के लिए भी गाइस परफेक्ट सेट है। ओके, सो ये वाला जो कुर्ता है वो दुपट्टे के साथ है एंड एशियन ब्रांड से है, ये मैंने मीशो से लिया है। ये मुझे मिली है 170 something की, 1700 रुपये की। सराउंडिंग के साथ है गाइज, ये फुल अनारकली फ्लोर लेंथ वाली कुर्ती सेट है। इसका कॉम्बिनेशन जो है ना ग्रीन एंड ब्लू का, वो बहुत बढ़िया है। जिगजैग वाली डिज़ाइन है जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। कॉटन मटेरियल है कुर्ते का दुपट्टे का। सो यहाँ पे आपको नेकलाइन पे जरी का वर्क मिल रहा है, प्लस नीचे को गोटा पट्टी का वर्क मिल रहा है एंड दुपट्टे पे गोटा पट्टी के साथ थोड़े छोटे छोटे से जो बूटियाँ बनी हुई ना ये जरी की हुई है। फ्लेयर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी है, मुझे फ्लेयर बहुत अच्छी लगी। सी थ्रू भी नहीं है, इसकी जो फिटिंग आ रही है ना एक नंबर आ रही है, मतलब देखने पे कलर भी फिटिंग भी बहुत बढ़िया है। कपड़ा का जो है मटेरियल वो भी बहुत अच्छा है और दुपट्टे का भी जो लंबाई चौड़ाई बहुत अच्छी है। एशियन ब्रांड से है, मिंत्रा पे आई गेस ये अवेलेबल नहीं है, अगर होती तो मैं लिंक दे देती, इसका मैं कोड आपको दे दूंगी। सो ये मैंने सेकेंड डे पहना था और बहुत कंफर्टेबल था गाइज, इसलिए तो मैं इसे भी मीशो का ही है बट मैं इसे ईद हॉल में ऐड कर रही हूँ क्योंकि पर्सनली मैंने वेयर करा, मुझे बहुत पसंद आई। इयरिंग्स मिंत्रा से है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। सो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताना। नेक्स्ट जो कुर्ता सेट है वो पिंक एंड गोल्डन प्रिंटेड कुर्ता विद प्लाजो एंड दुपट्टा है। सो ये मुझे मिली है 1259 रुपीज़ की, जो बहुत अच्छी सेल पे चल रही है, आज भी प्राइस गए इसका बहुत ही कम है। सो इसका जो मटेरियल है वो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन ब्लेंड मटेरियल है। कुर्ता बॉटम दुपट्टे का मटेरियल सेम है, बहुत कंफर्टेबल है। पेपलम टॉप पे आपको प्लाजो मिल रही है, 3/4 स्लीव्स के साथ जो कुर्ता है वो पूरे फॉयल प्रिंट्स के साथ है, सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है, घेर काफ़ी अच्छी है कुर्ते की। एंड प्लाजो की मैं बात करूँ तो सांगरे की प्लाजो आपको पता है कितनी घेर वाली होती है। सो कंफर्टेबल भी है प्लस पार्टी वेयर भी है, बहुत प्यारा सेट है। कलर भी बहुत ही समरिश है, पिच कलर बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एंड नीचे को आपको गोटा पट्टी डिटेलिंग मिल रही है, दुपट्टे पे मिल रही है, प्लस दुपट्टे के चारों कोने पे जो कुर्ते का कपड़ा है ना उसका बॉर्डर बना हुआ है। कुर्ते की दुपट्टे की लंबाई चौड़ाई भी बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंड करूंगी। मुझे थोड़ी लूज हो रही है, इसमें मैंने लार्ज साइज लिया है, किसी और के लिए मंगाया था डैट्स वे, बट अगर आप मीडियम पहनते हो तो मीडियम लो, स्मॉल पहनते हो तो स्मॉल लो। सो मैं इसे भी रिकमेंड करूंगी प्राइस अकॉर्डिंग, और देखने पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये मेरा लुक बुक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर करना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में बताना कि कौन सी सेट आज के हॉल में आपको अच्छी लगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय गाइज़।